इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे वेजिटेबल फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे आलू लिए मैंने दो दरमियाने साइज़ के, जिसको इस तरह बिल्कुल बारीक काट लिया है। एक कप गाजर लिए, गाजर को भी मैंने इस तरह बिल्कुल बारीक काट लिया है। एक प्याज लिए, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है एक चम्मच। यहाँ पे हाफ के जी मैंने चावल लिए हैं, जिसको मैंने तकरीबन आधे घंटे से भिगो के रखा हुआ है। दो चम्मच चिली सॉस, हाफ कप मटर, हाफ कप फूल गोभी और एक छोटे साइज़ का बंद गोभी का फूल लिया है। सिरका लिया है 2 टेबलस्पून, नमक 3 चम्मच, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ले लें। काली मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरा और 2 अंडे लिए। तो चलें अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चावलों को बॉईल करेंगे। कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया है, इसमें हम 2 चम्मच नमक डालेंगे। और 1 चम्मच इसमें घी डालेंगे। घी की जगह आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पानी गर्म होगा तब हम इसमें चावल डालेंगे। पानी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया, हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावलों को हमने 1 कनी तक पकाना है। जब 1 कनी रह जाएगी तब हम इसका पानी निकाल देंगे। चावल हमारे तकरीबन बॉइल हो गए हैं, इसकी 1 कनी रह गई है। अब हम इसमें इस टाइम पे सिरका डालेंगे 2 चम्मच। इस सिरका और घी डालने से चावल खिले खिले बनते हैं। चम्मच लाएंगे और अब इसका हम पानी निकाल देंगे। पानी हमने स्ट्रेन कर दिया है, अब हम इसे किसी अलग बर्तन में निकाल देंगे। इसे हम इस तरफ ला देंगे ताकि चावल जुड़े ना। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून। अब हम इसमें अंडे डालेंगे और अंडों को सबसे पहले फ्राई करेंगे। चम्मच लाएंगे, बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसको पकाना है ताकि हमारे अंडे जले ना। मीडियम आंच पे हम पका रहे हैं इसको, बिल्कुल स्लो भी नहीं है, मीडियम है बिल्कुल। अंडे हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इसी ऑयल में मैंने 2 चम्मच और ऑयल इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और हल्का सा इसे नरम होने तक पकाएंगे। प्याज हमारे हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसे भी हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए। हमारी लहसुन और अदरक का पेस्ट भी हल्का सॉफ्ट हो गया, अब हम इसमें मटर डालेंगे।
इसी के साथ हम इसमें गाजरें डालेंगे, आलू भी इसी टाइम डाल देंगे और इसे हल्का नरम होने तक पकाएंगे। जब आलू और गाजर मटर तीनों चीज़ें हमारी नरम हो जाएंगी हल्की हल्की सी, तो हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। फूल गोभी भी हम इसी टाइम पे डाल देंगे क्योंकि ये भी सख्त होती है, ये भी हल्की नरम हो जाएगी इनके साथ ही। अब हम इसे ढककर पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। सब्जियों को हमने 5 मिनट कवर करके पकाया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कुक हो गई हैं, आलू भी हमारे गल गए हैं, सारी चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें बंद गोभी डालेंगे। बंद गोभी को भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हल्का हल्का सा हमने इसमें चम्मच चलाना है ताकि हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरह से बन जाए और टूटे नहीं। 1 मिनट हमने बंद गोभी को फ्राई किया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है क्योंकि हमने चावलों को बॉईल करते हुए उसमें भी डाल दिया था। ज़ीरा डालेंगे, काली मिर्च, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ज़ीरा ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डाल लें, नहीं तो स्किप कर दें। सारी चीज़ों को डाले हुए 1 मिनट हमने फ्राई किया, डाले हुए 1 मिनट हो गया है, 1 मिनट हमने इसको फ्राई किया है। अब हम इसमें चिली सॉस डालेंगे। चम्मच लाएंगे, इसी के साथ हम इसमें फ्राई किए हुए अंडे डालेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करके हम इसमें जो पहले से हमने बॉईल करके चावल रखे हुए हैं वो डालेंगे। आंच हम बिल्कुल स्लो कर देंगे इसकी। अब अब हम सारी चीज़ों को चावलों में मिक्स कर देंगे। हल्के हल्के हाथों से चम्मच चलाना है। और आंच इसकी बंद कर देंगे। बंद आंच पे हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक रखेंगे कवर करके, उसके बाद डिश आउट करेंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसको कवर करके रखा है, अब हम इसे सर्व करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बड़े ज़बरदस्त चावल हमारे खिले खिले बने हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारे वेजिटेबल फ्राइड राइस तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।